श्याम सुंदर ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति जैसा कर्म करता है मैं उसको वैसा फल देता हूं, अच्छा हो या बुरा। कार्तिक मास में आपके प्रत्येक कर्म का फल आपको अधिक लगता है, चाहे आप अच्छा कर्म कीजिए चाहे आप बुरा कर्म कीजिए, यह आपके ऊपर डिपेंड है। हमारे किसान भाई जानते हैं, बीज बोओगे चाहे कम या ज्यादा फसल मिलेगी। जीवन रूपी खेत में कर्म ही आपका बीज है, कम हो या ज्यादा काटना आप ही को है। आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। आप इस बात को ऐसे समझिए, इस बात को मैं इसलिए प्रारंभ में समझा रहा हूं कि कार्तिक मास में आप लोग सभी यहां या आस्था पे कहीं भी बैठकर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी पूर्वक अपने कर्म को समझें और आगे करें। एक राजा था एक राज्य का, सभा में बैठा हुआ था, अचानक से उसके दिमाग में बुद्धि में एक विचार आया, जिस समय मैं पैदा हुआ मेरा जन्म हुआ उसी समय पर उसी दिन उसी पल उसी क्षण और भी लोग जिनका जन्म हुआ होगा, और भी तो इस राज्य में लोग जन्म लिए होंगे उसी समय उसी दिन उसी समय में उसी मुहूर्त में, समय भी वही है मुहूर्त भी वही है दिन भी वही है महीना भी वही है टाइमिंग भी वही है, अकेला मैं राजा क्यों बना और सब राजा क्यों नहीं है। अब संदेह छोटा तो था नहीं, प्रश्न छोटा तो था नहीं। आज उसका सभा में मन नहीं लग रहा था, आज वो परेशान था, आज वो उदास था। राजा अपसेट था, ये प्रश्न उसके मन में घर कर गया था। राजा इस प्रश्न का उत्तर चाहता था, वो जानना चाहता था कि अकेला मैं ही राजा क्यों, वजह क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है। सभा बुलाई, विद्वानों को बुलाया और विद्वानों के सामने एक ही प्रश्न, उसी पल में जिस पल में मेरा जन्म हुआ उसी पल में और लोगों का भी जन्म हुआ होगा, लेकिन राजा अकेला मैं ही क्यों बना। अब बात शास्त्रों की कह दें या वो कह दें बात अलग है, लेकिन जिस पे राजा बिलीव करे ऐसी बात ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है। सब असमर्थ थे, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। राजा परेशान होने लगा तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हमारे पास तो नहीं है, पर जंगल में चले जाओ वहां एक महात्मा है और बड़े तपस्वी महात्मा है, हमको ऐसा लगता है वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही देंगे। अब राजा को सुबह होने की प्रतीक्षा होने लगी कि मुझे सुबह जाना ही जंगल वन में जाना है और वन में जाके महात्मा जी से मिलना है। तो राजा ने सबसे कह दिया कि सुबह हम चलेंगे। बोले ठीक चलना है। सब तैयार हुए, सुबह हुआ, राजा स्नान इत्यादि करके निकल गए कुछ मंत्रियों के साथ में, और जब मंत्रियों के साथ में वो निकले कुछ देर बाद वन में पहुंचे, और जब वन में जाकर उन्होंने देखा एक महात्मा बैठे हुए हैं, दर्शन किए, बड़ा प्रसन्न हुआ।
पर एक अद्भुत घटना घट रही है वहां, बड़ी विचित्र घटना घट रही है। क्या? बोले जिस महात्मा के पास में वो गए हैं वो आग के अंगारे खा रहे हैं, आग के अंगारे खा रहे हैं। महात्मा तपस्वी हैं और अंगारे खा रहे हैं, मतलब आग खा रहे हैं। बात समझ से परे थी, पर भी फिर भी कर क्या सकते थे। प्रणाम किया और राजा ने कहा कि मैं आपके पास एक जिज्ञासा लेकर आया हूं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। प्रश्न किया, जिस समय में, जिस मुहूर्त में, जिस दिन में, जिस महीने में मेरा जन्म हुआ, उसी समय में, उसी महीने में, उसी मुहूर्त में और बहुत लोग इस राज्य में उत्पन्न हुए होंगे, पर राजा अकेला मैं ही क्यों बना। संत अग्नि खाते रहे और कहने लगे, तेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, जा आगे चला जाए, एक और महात्मा बैठा होगा उससे जाके पूछ। राजा को लगा इनके पास आया, अब इन्होंने भी आगे खिसका दिया, पर प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसलिए राजा आगे गया। आगे गए, वहां जाके देखा, महात्मा को प्रणाम किया, एक बड़े श्रेष्ठ संत से वो विराजमान है। वहां पहुंचे तो वहां भी ये घटना घट रही है अजीब सी, और वो अजीब घटना ये है कि महात्मा माटी का भक्षण कर रहे हैं, बार बार मिट्टी खाए जा रहे हैं, बार बार मिट्टी खाए जा रहे हैं, बार बार मिट्टी खाए जा रहे हैं। एक आग खा रहा है, एक माटी खा रहा है। राजा ने पूछा, मेरा प्रश्न है, मैं अपना प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं, प्रश्न है, अकेला राजा मैं ही क्यों बना, उसी समय में और भी लोग उत्पन्न हुए होंगे, जन्म हुआ होगा। तो महात्मा बोले, तेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, जल्दी चला जाए, एक गांव में एक व्यक्ति मरने वाला है, उस व्यक्ति से जाके मिल, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा, और सुन, लेट हुआ तो वो मर जाएगा। शहर से आए वन में, वन से जाओ गांव में, यात्रा है, करनी पड़ेगी। अब राजा दौड़े, उस व्यक्ति का नाम पूछते पूछते उसके घर तक पहुंचे। वो व्यक्ति चारपाई पे पड़ा हुआ है, मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। राजा ने कहा, आपके पास आया हूं कुछ जानने के लिए। अरे बोले, मैं तो मरने वाला हूं, अब क्या जानोगे मुझसे। अरे मुझे महात्मा ने भेजा आपके पास, क्या आप ही के पास है मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले, कौन से प्रश्न का, प्रश्न क्या है तुम्हारा। तो बताया, जिस समय में मेरा जन्म हुआ, जिस दिन, जिस महीने, जिस मुहूर्त में, और भी तो लोग जन्म लिए होंगे, पर राजा अकेला मैं ही क्यों बना। बोले, राजा अच्छा हुआ तू समय पे आ गया, नहीं तो मैं मर जाता। सुन, तुझे एक कहानी सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। कुछ समय पहले चार भाई थे, विपत्ति काल था, और विपत्ति काल में वो जंगल में रहा करते थे। कई दिनों बाद उन्हें भोजन करने को मिला, पर जैसे ही वो भोजन करने बैठे, वहां पर एक बाबा जी आ गए। तो बाबा जी ने कहा कि हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ भोजन हमें करने को दे दो। तो एक व्यक्ति ने कहा, तुझे अगर दे देंगे तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा, मैं क्या आग खाऊंगा। दूसरे के पास गए, भाई भोजन करने को दे दे, भूख लग रही है। दूसरे ने कहा, तुझे दे दूंगा तो मैं क्या मिट्टी खाऊंगा, मुझे भी तो जिंदा रहना है। तीसरे के पास गए, उससे कहा, भैया भोजन दे दे करने को। तीसरे ने कहा, तुझे दे के क्या मैं मर जाऊं, भूखा मर जाऊं। सबसे छोटे के पास में गए, और सबसे छोटे के पास में जब गए महात्मा जी, तो उस व्यक्ति ने, उस छोटे ने अपने भोजन की थाली उसे दे दी, खुद भूखा रहा और महात्मा को पेट भर के भोजन करा दिया। बोले, इस कहानी से मेरे प्रश्न का उत्तर कहां मिला। बोले, इसी कहानी में तेरा उत्तर है। जानता है, वो जो अंगारे खा रहा था ना,
ये वही बाबा जी है जिसने कहा था तुझे दे दूंगा मैं क्या अंगारे खाऊंगा, मैं क्या आग खाऊंगा, जिसने ये कहा था मैं मिट्टी खाऊंगा, वही व्यक्ति मर के बाबा जी बना पर खा मिट्टी रहा है। और जिसने कहा था कि मैं तुझे दे दूंगा तो मैं क्या मरूंगा, वो मैं हूं, मैंने उसे नहीं दिया पर अब मैं मरने के लिए तैयार पड़ा हूं। रही बात वो चौथे की, जिसने अपना भोजन भी दे दिया था, जानता है वो हमारा सबसे छोटा भाई तू है। हम तीनों ने नहीं दिया था लेकिन हमारा जो सबसे छोटा भाई है वो तू है। तूने ही अपनी भोजन की थाली उस महात्मा को दे दी और उसका फलस्वरूप यह है, उस कर्म का फल यह है कि आज तू राजा है।